छात्रों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आज है, जो जिन लोगों को वैकेंसी की इंतजार थी, जो फार्मासिस्ट के वैकेंसी में एलिजिबल नहीं थे, जिनके एज की प्रॉब्लम हो रही थी या फिर जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था, उनको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही थी, तो आज बहुत खुशी का विषय है कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन न होने से जो है दिक्कत हो रही थी, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था, रजिस्ट्रेशन न होने से वो वैकेंसी में शामिल नहीं हो पा रहे थे, तो आज बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा जो विज्ञापन, जो नोटिफिकेशन थी फार्मासिस्ट की, उसके डेट को बढ़ा दी गई है। आप देख पा रहे होंगे आज की डेट 2/5/2023 को बिहार तकनीकी सेवा आयोग का ये जो PDF है, इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन मैं आपको आपके सामने शो करा रहा हूँ। इसको देख रहे हैं, विज्ञापन संख्या लिखा हुआ है 5/2023, जो फार्मासिस्ट का विज्ञापन अभी तक निकला हुआ था उसका डेट जो लास्ट डेट है वो 4/5/2023 तक था, लेकिन बहुत लोगों का रजिस्ट्रेशन न होने के कारण बहुत से लोग इसमें अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो उन लोगों का मतलब माइंडसेट यही था कि इसकी जो फार्मासिस्ट की जो वैकेंसी की डेट है वो बढ़ाई जा सके। तो हम आपको बताते हैं कि इस विज्ञापन में क्या लिखा हुआ है। इस विज्ञापन में आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन संख्या 5/2023, फार्मासिस्ट के कुल 1539 पदों पर नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 5/4/2023 से 4/5/2023 तक निर्धारित की गई थी। वर्तमान में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की संख्या काफ़ी कम होने के कारण, क्योंकि ऑनलाइन इसका आवेदन की संख्या कम इसलिए हुई कि बहुत लोग ऐसे थे, बहुत स्टूडेंट फार्मेसी के ऐसे थे जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, तो रजिस्ट्रेशन न होने से जो फार्मासिस्ट के कुल वैकेंसीज हैं उसमें बहुत सारे लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे, क्योंकि जैसे ही बिहार तकनीकी सेवा आयोग की वेबसाइट को खोला जा रहा था, तो वेबसाइट को खोलने के बाद जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जा रहा था, तो रजिस्ट्रेशन नंबर न होने से बहुत सारे लोग इसको अप्लाई नहीं कर पाए हैं। यही बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा आप यहाँ नोटिफिकेशन में देख पा रहे होंगे कि वर्तमान में प्राप्त ऑनलाइन आवेदन की संख्या काफ़ी कम हो गई थी। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 13/4/2023 को पारित आदेश के आलोक में ऑनलाइन जो आवेदन करने की तिथि थी उसको 19/4/2023 तक बढ़ा दिया गया है। इसके 19/5/2023 तक इसकी जो फार्मासिस्ट के वैकेंसी की डेट है उसको बढ़ा दिया गया है। इसके बाद डिप्लोमा इन फार्मेसी में जो भी इसमें यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस करोगे, इस जो नोटिफिकेशन रिलीज हुई उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है सभी शैक्षणिक प्रमाण पत्र डिप्लोमा इन फार्मेसी, बैचलर इन फार्मेसी, मास्टर इन फार्मेसी का डिग्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंक पत्र दिनांक 4/5/2023 के पूर्व का निर्गत होने पर मान्य होगा। मतलब कि अगर 4/5/2023 से पहले आपका रजिस्ट्रेशन होता है तो वो मान्य होगा। शेष जो प्रमाण पत्र हैं, बिहार स्टेट फार्मेसी काउंसिल पटना का निबंधन प्रमाण पत्र सहित 19/5/2023 तक निर्गत होने पर मान्य होगा, किंतु कार्य का अनुभव जो अवधि की गणना विज्ञापन की खंडिका 3 के अनुसार दिनांक 5/4/2023 तक की जाएगी। आप ये देख पा रहे होंगे जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के उप सचिव हैं उनके द्वारा ये नोटिफिकेशन रिलीज की गई है, तो आज के लिए ये बहुत खुशी की बात है। देखिए आगे क्या अपडेट आती है वैकेंसी को लेकर, रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या अपडेट आती है। बस आज के लिए इतना ही, और भी वैकेंसी और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।